नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अग्निदेव से कहा, अग्निदेव अब आप इस संपूर्ण वन को चारों ओर से घेरकर आज इच्छा अनुसार जलाइए, हम आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कैसे कहने पर भगवान अग्नि ने तेजो में रूप धारण करके खंड वन को सब ओर से जलाना आरम्भ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने रथों पर बैठकर खंड बन के दोनों ओर खड़े हो गए और सब दिशाओं में घूम घूम कर प्राणियों का संहार करने लगे। खंड बन में रहने वाले प्राणी जहां जहां भागते दिखाई देते, वहीं वहीं वे दोनों प्रमुख वीर उनका पीछा करते। उसमें लाखों प्राणी भयानक चित्कार करते हुए चारों ओर उछलने कूदने लगे। बहुत से प्राणियों के शरीर का हिस्सा जल गया, बहुत से आंच में सुलझ गए, कितनों की आंखें फूट गई थी और कितनों के शरीर फट गए। ऐसी अवस्था में भी सब भाग रहे थे। कोई अपने पुत्रों को छाती से चिपकाए हुए थे, कुछ प्राणी अपने पिता और भाइयों से सटे हुए थे। वे स्नेहवश एक दूसरे को छोड़ न सके और वहीं काल के गाल में समा गए। प्रदीप्त अग्नि की बड़ी बड़ी लपटें आकाश में ऊपर की ओर उड़ती हुई देख देवताओं के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न करने लगे। वे सब देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे, देवराज, क्या यह आग समस्त प्राणियों का संहार कर डालेगी? क्या अभी प्रलय का समय आ गया है? देवताओं की घबराहट और प्रार्थना से प्रभावित होकर और अग्नि की यह भयानक करतूत देखकर स्वयं इंद्र खंड बन को अग्नि से बचाने के लिए तैयार हुए। उनके दल के दल बादल खंड बन पर उमड़ आए और गड़गड़ाहट के साथ जल की मोटी मोटी धाराएं बरसाने लगे। वर्षा करते हुए इंद्र की उस जल धारा को अर्जुन ने अपने उत्तम अस्त्र का प्रदर्शन करते हुए बाणों की बौछार से रोक दिया। अमित आत्मबल से संपन्न अर्जुन ने बहुत से बाणों की वर्षा करके सारे खंड बन को ढक दिया। सारा आकाश बाणों के द्वारा ऐसा घिर गया कि कोई भी प्राणी उससे निकलकर बाहर ना जा सके। जब खंड बन जलाया जा रहा था, उसमें महाबली नागराज तक्षक वहां नहीं था, कुरुक्षेत्र चला गया था, परंतु तक्षक का पुत्र अश्वसेन वहीं रह गया था। उसने उस आग से अपने को छुड़ाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, किंतु अर्जुन के बाणों से रुंध जाने के कारण वह बाहर निकल ना सका। उसकी माता सर्पणी ने उसे निगलकर उसे आग से बचाने की कोशिश की। उसे निगलते उस नागिन ने पुत्र को बचाने के लिए आकाश में उड़कर निकल भागने की चेष्टा की, परंतु पांडु कुमार अर्जुन ने मोटी धार वाले तीखे बाणों से उस भागती हुई सर्पणी का मस्तक काट दिया। इंद्र ने उसकी यह अवस्था अपनी आंखों से देखी। तब अश्वसेन को छुड़ाने की इच्छा से इंद्र ने आंधी और वर्षा चलाकर पांडु कुमार अर्जुन को उसमें मोहित कर दिया। इतने में तक्षक का पुत्र अश्वसेन उस संकट से मुक्त हो गया। इंद्र के इस धोखे की बात से अर्जुन क्रोध से तिलमिला उठे और पैने तथा तेज बाणों से आकाश को ढककर इंद्र से भिड़ गए। देवराज इंद्र ने भी अपने तीक्ष्ण अस्त्रों की वर्षा से अर्जुन को उत्तर दिया। इंद्र ने आकाश में स्थित मूसलाधार पानी बरसाने वाले मेघों को उत्पन्न किया। वे भयंकर मेघ बिजली की कड़कड़ाहट के साथ धरती पर वज्र गिराने लगे। उस अस्त्र के प्रतिकार की विद्या में कुशल अर्जुन ने मेघों को नष्ट करने के लिए वायवा नामक अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र ने इंद्र के छोड़े हुए वज्र और मेघों का ओज एवं बल नष्ट कर दिया। जल की वे सारी धाराएं सूख गई और बिजलियां भी नष्ट हो गई। क्षण भर में आकाश धूल और अंधकार से रहित हो गया। अर्जुन का यह अस्त्र कौशल देखकर देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्प कोलाहल करते हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए आ गए। वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन पर प्रहार करने लगे। श्री कृष्ण और अर्जुन ने संयुक्त रूप से चक्र और तीखे बाणों के द्वारा सबकी सेना को तहस नहस कर दिया। तब देवराज इंद्र श्वेत इरावत पर आरूढ़ हो अत्यंत क्रोध पूर्वक उन दोनों की ओर दौड़े। इंद्र ने बड़े वेग से अपना वज्रास्त्र उठाकर चला दिया। सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र उठाए। यमराज ने कालदंड, कुबेर ने गदा, वरुण ने पाश। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना काल रूप प्रकट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के काल रूप को देखकर देवता और दानव दंग रह गए। तब इंद्र को संबोधित करते हुए गंभीर स्वर से आकाश वाणी हुई, इंद्र, तुम भगवान वासुदेव तथा अर्जुन को किसी प्रकार भी युद्ध में जीत नहीं सकते। मेरे कहने से तुम इस बात को समझ लो, वे दोनों पहले के देवता नर और नारायण है। देवलोक में भी इनकी ख्याति है। इनका बल और पराक्रम कैसा है ये तुम भी जानते हो। ये अपराजित और दुर्दश वीर है। संपूर्ण लोकों में किसी के द्वारा भी ये युद्ध में जीते नहीं जा सकते। तुम देवताओं को लेकर यहां से चले जाओ, इसी में तुम्हारी शोभा है। इस अवसर पर खंड बन का दाह देव ने ही रच रखा है। आकाशवाणी सुनकर देवराज इंद्र क्रोध और ईर्ष्या छोड़कर स्वर्ग में लौट गए। इंद्र को वहां से प्रस्थान करता देख समस्त स्वर्गवासी देवता सेना सहित उनके पीछे पीछे चले गए। देवताओं के चले जाने के बाद खंड बन अनाथ के घर की तरह धधक धधक कर जलने लगा।
उसी समय तक्षक के निवास स्थान से निकलकर सहसा भागते हुए मायासुर पर भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ी। बात सारथी अग्निदेव मूर्तिमान हो उस असुर को जला डालने की इच्छा से उसके पीछे भाग रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने मेघ दानव को मार डालने के लिए चक्कर उठाया। आगे चक्कर और पीछे धधकती आग को देखकर मेघ दानव बहुत डर गया। उसने कुछ सोचकर अर्जुन को पुकारते हुए कहा, वीर अर्जुन, मैं तुम्हारी शरण में हूं, केवल तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। अर्जुन ने कहा, डरो मत। अर्जुन को अभ्यदान करता देखकर भगवान श्री कृष्ण ने चक्कर रोक लिया और अग्नि ने उसे भस्म नहीं किया। इस अग्निकांड से केवल 6 प्राणी बच सके, अशुभ सेन सर्प, मय दानव और 4 शारंग पक्षी। शारंग पक्षियों के पिता मदपाल ने और उन पक्षियों में सबसे बड़े जारी तारिणी अग्निदेव की स्तुति करके अपनी रक्षा का वचन ले लिया था। वह वन 15 दिन तक जलता रहा। श्री कृष्ण और अर्जुन का दिया हुआ वह इच्छा अनुसार भोजन पाकर अग्निदेव बड़े प्रसन्न और पूर्ण तृप्त हो गए। उन्हें बड़ी शांति मिली। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।